अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह बखैर। फैसलाबाद के वापसी पे फ़ारूक भाई की दावत, नाश्ते की दावत थी। नाश्ता किया और बहुत ज़बरदस्त कढ़ी और चनों के साथ नाश्ता करवाया। नाश्ता करके चाय पी के तो अब अलविदा हुए। अब गाड़ी में बैठा हूँ और GTS निकल चुके हैं। तमाम अहबाब को दुआओं की दरख्वास्त है। यह सफ़र मेरे लिए बड़ा ही आम था, क्यों इस पर मुझे अलविदा करने के लिए फ़ारूक भाई आए थे। उन्होंने मुझे स्पेशल अलविदा किया और हम जंगजा के करीब पहुंच चुके हैं। अब मोटरवे पे चढ़ चुके हैं। यहाँ से फिर टोबा की तरफ हम रवाना हो चुके। टोबा शहर में इंटर हो गए। सफ़र एक कहते हैं या तो जहन्नम के अजाब का टुकड़ा है, सफ़र या तो बहुत मुश्किल होता है या बहुत ही आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यह बस सफ़र मेरे लिए बहुत इजी था। सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट में टोबा अड्डे में मैं पहुंच गया था। अब उसामा भाई के मरकज़ में पहुंचा हूँ। उसामा भाई के यहाँ असर की नमाज अदा की। असर की नमाज अदा करके हम वापसी की तरफ मैं रवाना हो चुका हूँ। 379 जिम्बे खलोया। तमाम अहबाब को दुआओं की दरख्वास्त है। कैसा लगा हमारा व्लॉग? अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हमें तमाम अहबाब को दुआ में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।